हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आई है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि रीट में जब बीएड को प्राइमरी से बाहर किया गया, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में जो है इस पर केस रखा गया और सुप्रीम कोर्ट में आज फाइनली इस पर सुनवाई भी हुई। सुनवाई इस पर हुई, लेकिन बीएड वाले छात्र जो हमारे साथी हैं उन लोगों को इसमें कोई भी लाभ नहीं दिया गया, क्योंकि जो रीट वाले जो साथी थे, जो बीएड के साथी थे, वो सभी लोग ये चाह रहे थे कि इस पर स्टे ले लिया जाए। बट इस पर स्टे नहीं हुआ, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है वकील वगैरह भी थे और बड़े बड़े वकील, यानी पूरे वकीलों की थी, चाहे फिर वो बीएड की तरफ से हो, चाहे फिर वो बीटीसी की तरफ से हो। तो उसमें जो है स्टे जो लेना चाह रहे थे बीएड वाले छात्र, उनको स्टे नहीं मिला है और भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू होगी। हालांकि अभी इस पर फाइनल आर्डर आना बाकी है, ठीक है। फाइनल आर्डर इसका जो है जब आएगा तब आपको हम इस चैनल के माध्यम से बताएंगे, लेकिन अभी तक जो मुझे सूचना मिली है उसमें यही मिली है कि बीएड को प्राथमिक से बाहर को लेकर के कोई भी जो है राहत नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के भी माध्यम से। हालांकि इस पर जो अगली सुनवाई है वो 22 फरवरी को होने वाली है। अब 22 फरवरी को क्या होगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी तो फिलहाल जो सूचना मिली है उस सूचना पर मैं आपको बता दूं कि बीएड को कोई भी राहत नहीं दी गई है। साथ ही साथ अभी जब शाम तक पूरी जो स्थितियां और क्लियर होंगी, क्योंकि जैसे जैसे लोग कोर्ट से बाहर आते जाएंगे, उन लोगों के द्वारा क्या क्या चीजें हुई, क्या कोर्ट में बताया गया, उन सभी चीजों पर चर्चाएं होंगी, फिर मैं आपको उसको लेकर के पूरी डीपली वीडियो लेकर आऊंगा इस चैनल के माध्यम से दूंगा। अभी के लिए मैं बता दूं कि आज कोर्ट में यह हुआ है कि बीएड को राहत नहीं दिया गया है। दो नोटिस जारी की गई है, एक नोटिस एनसीटीई को जारी की गई है और एक नोटिस जो है केंद्र सरकार को दी गई है। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, बीएड को लेकर के क्या अपनी अपनी राय रखते हैं, वो चीजें देखना जो है काफी ज्यादा अनिवार्य होगा। और कोर्ट भी ये चाहती है कि सभी के पक्ष को पहले सुना जाए, फिर फाइनल आर्डर दिया जाए। तो अभी 22 फरवरी को सुनवाई है, अब देखना ये होगा कि 22 फरवरी को क्या होता है। लेकिन अभी तक की जो मिली सूचना उस आधार पर ये कहा गया है कि बीएड को अभी भी जो है कोई राहत नहीं दिया गया है। हालांकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस है, किसी भी एक राज्य के लिए नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, कहीं भी, ये पूरे भारत देश के लिए लागू होगा। इसलिए पूरे भारत के डीएलएड और बीएड सभी छात्र जो है इस केस पर निगाह बनाए हुए हैं। अगर आपको इस केस की पल पल अपडेट चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।